नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज के लिए कैंडिडेट की लिस्ट अब आरजेडी ने ऑफिशियली जारी कर दी है। आपको बता दें कि आरजेडी के ने पहले ही से सिंबल बांटने का सिलसिला जारी रखा था, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुआ था और अब इसकी घोषणा भी हो चुकी है। आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल पर तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी की है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से सिपाही हैं जो इस बार चुनावी रण में नजर आएंगे। तो कुछ देर पहले आरजेडी ने ये ट्वीट किया है, आप ट्विटर पर देख सकते हैं। ट्वीट करते हुए लिखा गया है, जनता के आशीर्वाद से जनता की लड़ाई जीतेंगे। इसके साथ एक पोस्टर जो आरजेडी की तरफ से जारी किया गया है, राष्ट्रीय जनता दल के पहले चरण के चुनाव हेतु उम्मीदवारों की सूची, जो पहले फेज के लिए 71 सीटों के लिए जो आरजेडी के खाते में जितनी सीटें गई हैं उसमें कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे उनके नाम दिए गए हैं। चकाई विधानसभा से सावित्री देवी, शाहपुर से राहुल तिवारी, जहानाबाद से सुदय यादव, शेखपुरा से विजय सम्राट, जमुई से विजय प्रकाश, जगदीशपुर से रामविष्ण लोहिया, बेलहर से रामदेव यादव, नवीनगर से डब्ल्यू सिंह, नवादा से विभा देवी, मखदूमपुर से सतीश दास, बेलागंज से सुरेंद्र यादव, बोधगया से सर्वजीत कुमार, रामगढ़ से सुधाकर सिंह, झाझा से राजेंद्र यादव, नोखा से अनीता देवी, ओबरा से ऋषि सिंह, सूर्यगढ़ा से प्रहलाद यादव, तारापुर से दिव्या प्रकाश, मसौढ़ी से रेखा पासवान, कटोरिया से स्वीटी हेम्ब्रम, गोह से भीम सिंह, इमामगंज से उदय नारायण चौधरी, बांका से डॉक्टर जावेद अंसारी, कुर्था से बागी कुमार वर्मा, ब्रह्मपुर से शंभुनाथ यादव, मोहनिया से संगीता देवी, दिनारा से विजय मंडल, शेरघाटी से मंजू अग्रवाल, डेहरी से फतेह बहादुर कुशवाहा, मुंगेर से अविनाश कुमार, रफीगंज से मोहम्मद निहालुद्दीन, बड़हड़ा से सरोज यादव, गुरुआ से विनय यादव, बाराचट्टी समता देवी, अत्री से अजय यादव, भभुआ से भरतविंद, धुरैया से भूदेव प्रसाद, संदेश से किरण देवी, सासाराम से विजय गुप्ता, गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान, रजौली से प्रकाश वीर, मोकामा से अनंत सिंह। तो ये तमाम 42 ऐसे कैंडिडेट हैं, क्योंकि पहले लिस्ट जो जारी की गई है आरजेडी की तरफ से पहले फेज के लिए, और पहले फेज में 71 सीटें हैं जिसमें से आरजेडी के खाते में जो है वो 42 सीटें हैं। यानी कि पहले फेज के लिए जो वोटिंग होनी है, ऐसे में आरजेडी जहां पर अपने उम्मीदवार को उतार रही है वैसे 42 सीटें हैं। और अब इसको लेकर ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट किया गया है। हालांकि इससे पहले सिंबल बांटने का जो सिलसिला था वो आपने देखा, और उससे ही लोग अंदाज़ा लगा रहे थे, कयास लगाए रहे थे कि आरजेडी की तरफ से कौन से उम्मीदवार को सिंबल दिया गया है, टिकट दिया गया है। लेकिन आज सिर्फ एक दिन जब बचे हैं नॉमिनेशन में, क्योंकि 8 अक्टूबर को फर्स्ट फेज की नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है और इससे पहले ये अनाउंसमेंट कर दिया गया। कुल 42 ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले लिस्ट में हैं और आरजेडी ने ऑफिशियली ये जारी कर दिया, तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। तब तक के लिए नमस्कार।